ये से कर्नल जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो अब ऐसी खबरें निकल के सामने आने लगी है कि जो रशिया है वो यूक्रेन से निर्यात होने वाले तेल को परमिशन दे सकता है कि चलो हाँ, जिस हिसाब से वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की किल्लत हो रही है तो उसके लिए वो मान सकता है कि यूक्रेन से खाद्य तेलों का एक्सपोर्ट हो जाए। ऐसी अभी विदेशों से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो कर्नल जी, अगर ऐसा होता है तो खाद्य तेलों का बाजार अब कैसा रहेगा फिर? देखिए, यूक्रेन से ज्यादातर जो जो एक्सपोर्ट होता है वो सनफ्लावर ऑयल का होता है, यानी सूरजमुखी तेल का है, क्योंकि और जबकि बाकी जो खाद्य तेल है पाम ऑयल, वो ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से उसका काफी उस पर निर्भर करता है। अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिका के देश जो हैं उनसे भी काफी महत्वपूर्ण फर्क आता है। ब्राजील के और देखें और यूएस के अंदर भी जो है जो सोयाबीन जो है वो भी वहां पे एक्सपोर्ट काफी होता है। लेकिन कुल मिलाकर यदि यूक्रेन से सूरजमुखी तेल के निर्यात में यदि सुगमता हो जाएगी तो खाद्य तेलों की आवाजाही में काफी फर्क पड़ सकता है। लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ऐसा भी कोई संभावना नहीं आती, क्योंकि यूएस के अंदर जो मौसम है उस मौसम के हिसाब से जो सोयाबीन की जो अभी जो बुआई वगैरह है उसके अंदर काफी फर्क पड़ने की सूचना मिल रही है जी। और दूसरा चीज जो क्योंकि क्या होता है कि ऊन उत्पादन जो है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सोया पे जो एक खबर थी कि चाइना ने सोयाबीन का जो आयात किया था उसमें कमी थी, इसके वजह से स्टॉक में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। और लेकिन अब चाइना जब जून के प्रथम सप्ताह में लॉकडाउन खुल जाएगा तो मुझे लगता है कि चाइना से जो आयात में कमी थी वो पूरी होगी, और वो सोयाबीन का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो भारत के साथ साथ चाइना नंबर वन पे आता है। तो हमें चाइना के ऊपर अधिक नजर रखनी चाहिए बनस्पत यूक्रेन के सनफ्लावर के लिए, क्योंकि सोयाबीन पाम और ये जो सोयाबीन पाम ऑयल जो है ये खाद्य तेलों में प्रमुख रोल अदा करते हैं। सनफ्लावर का रोल थोड़ा सा कम है, लेकिन सनफ्लावर का यदि यूक्रेन से आ जाता है तो निश्चित रूप से बाजारों में कुछ सुगमता बढ़ेगी और वॉलेटिलिटी कम होने की संभावना बनेगी। जी कर्नल जी,